दोस्तों जोहार जय धर्मेश वल्लगी, हमारे चैनल कुणुक खुड़ा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुणुक मंडला लिपि से कुणुक लिखने के अभ्यास कराएंगे, साथ ही स्वर वर्ण वोवेल्स जिसे कुणुक में सरहा तोड़ कहा जाता है और व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट जिसे कुणुक में हरा तोड़ कहा जाता है के बारे बताएंगे। दोस्तों कुणुक सिक्की अर्थात कुणुक लिपि एक वर्णात्मक लिपि है। इसे लिखने की शैली देवनागरी लिपि की तरह है। रोमन लिपि की तरह लिखने पर कुणुक भाषा का शुद्ध लेखन एवं उच्चारण संभव नहीं है। दोस्तों कुणुक मंडला लिपि दुनिया की बेहतरीन लिपियों में से एक है, जो दिखने में सुंदर होने के साथ साथ लिखने में भी सरल और शीघ्र स्मरणीय है। तो बने रहे हमारे साथ और देखें सीखें कुणुक लिखना। कुणुक मंडला लिपि व्याकरण संबंधी निर्देशावली। नंबर एक, इस लिपि में मात्राओं को अक्षर के किनारे पर लगाया जाता है। नंबर दो, इसमें स्वर वर्ण का सभी मात्राओं को रखा गया है। नंबर तीन, इस लिपि में एक अक्षर को अर्ध बनाकर अन्य अक्षर के साथ संयुक्त शब्द बनाने के लिए पचा संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे समस्या। नंबर चार, इसमें उपरेप का मात्रा को हटाया गया है, इसे लिखने के लिए रा को अर्ध बनाकर लिखा जाता है, जैसे कार्य सतर्क। नंबर पाँच, इसी प्रकार रा की मात्रा को संयोजक चिन्ह पचा को लगाकर लिखा जाता है, जैसे क्रम चक्र। नंबर छः, अनुस्वर एवं चंद्र बिंदु दोनों का ध्वनि को सूचित करने के लिए ध्वनि चिन्ह के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग आ कंग का। नंबर सात, कुछ अक्षर कुणुक भाषा के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे सा सा णा छा त्रा ज्ञा, परंतु इन ध्वनि चिन्हों को अन्य भाषाओं को शुद्ध लिखने एवं पढ़ने हेतु रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा उ बड़ा उ ए ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। इसका उच्चारण कैसा होता है? ओ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग आ। ठीक है दोस्तों, अब इसके मात्राओं को लिखना सीखेंगे। ओ का मात्रा नहीं होता है दोस्तों, आ का मात्रा, छोटा ई का मात्रा, बड़ा ई का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, ए का मात्रा, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा, औ का मात्रा, अंग का मात्रा अनुस्वर और आ का मात्रा चंद्र बिंदु। ठीक है दोस्तों, सेला और हेचका। दोस्तों कुणुक भाषा को शुद्ध उच्चारण से लिखने व पढ़ने के लिए दो सिंबल्स सेला और हेचका का प्रयोग किया जाता है। सेला लंबी ध्वनि के लिए है और हेचका लघु ध्वनि को इंगित करता है। इसे हम विस्तार से जानेंगे अगले चैप्टर में।
दोस्तों अभी हमने सीखा स्वर वर्ण, अब हम सीखेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा णा ता था द ध न प फ ब भ मा या रा ला वा सा 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 हा छा त्रा ज्ञा ढा ढा खा। दोस्तों अभी हमने लिखना सीखा कुणुक बन्ना लिपि का व्यंजन वर्ण, अब हम सीखेंगे कुणुक बन्ना लिपि का स्वर वर्ण से शब्दों को लिखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओ से अड्डो 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 माने बैल। आ आ से आल 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 माने आदमी। छोटा ई से इंजो 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 माने मछली। बड़ा ई से इट्टा 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 माने ईंट। छोटा ऊ से उगता 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 माने हल। बड़ा ऊ से ऊंट ऊंट
ऊंट माने ऊंट। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्वरवर्ण के बाकी के अक्षरों से शब्दों को लिखना हम अगले वीडियो में सीखेंगे, साथ ही अगले वीडियो में हम व्यंजन वर्ण से भी शब्दों को लिखना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कुड़ुक सीखने की पुस्तक कुड़ुक बनना टूटना बांचना का PDF फाइल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, कृपया डाउनलोड कर कुड़ुक सीखने को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछना, हम हर सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय धर्मेश दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।